एक ही दिन का कंपटीशन था, उसमें थर्ड पार्टी करके अगर स्टार्टिंग के कुछ फिनिशेस मिल जाते हैं तो क्या गलत होता? और हमें क्या पता भाई कौन सोल है कौन गॉर्डल है, सबके कपड़े सेम है यार, कोई फिनिश भी नहीं हुआ था। और गटका खाली, हम गटका क्यों आए या स्नाया क्यों नहीं गए, छोड़ी बच्ची हो गया। 200% चिल्ला चिल्ला के वेन्यू पे बोला गया था टारगेट करेंगे, फाइट होगी, अभी तक तो बच गए, देखेंगे फुल मुठभेड़ हुई है भाई वहां पे, सब कुछ हल्ला हुआ है। 16 की 16 टीमों को सब कुछ पता था कि अब टारगेट होगा, किसी में कूदा नहीं है, और किसी टीम ने शायद हिम्मत नहीं दिखाई थर्ड पार्टी करने की। आजू बाजू कोई हो रही होती तो आ भी जाते। डे वन पे बीजीएमएस में जब टीएसएम और गॉर्डल की फाइट हुई थी, टीम सोल थर्ड पार्टी करने आई, रेकनिंग भी वहां पर आई, ये भी टीम अप होगा। उसमें भी आप कह सकते हो कि टीएसएम सोल और रेकनिंग ने मिलकर गॉर्डल को मार दिया, तो वो भी बोला गया था, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोला गया था, वो भी बोला गया था। इसके बाद जिसको मैच्योर है, जिसको गेम की नॉलेज है, अगर मेरे फैक्ट्स में कुछ ठीक लगा हो, जस्टिफाइड हो कि हाँ भाई ना प्रूफ वैलिड है और ना ये टीम अप उतना ज्यादा क्लियर लग रहा है, बल्कि जो सामने से आया है वो क्या था, वो सबको पता, सबको दिख रहा है क्या क्या हुआ है, किस तरीके से टीम को रोका जा रहा था, वो ज्यादा विजिबल है, और उसकी रिकॉर्डिंग भी आएगी बहुत जल्दी, ठीक है, उस पर भी काम हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। Oh, really?